पति का नाम दीपक और पत्नी का नाम प्रिया था। एक दिन दीपक काम से घर आता है और अपना ऑफिस बैग डोर के पास ही छोड़ देता है। ऑफिस बैग रूम में रखना चाहिए ना? अच्छा अच्छा ठीक है, अभी रख देता हूँ। कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो जाइए, बैग मैं रख देती हूँ। तुम कितनी प्यारी हो। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश है। शादी के बाद इन दोनों में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा तो दूर की बात, किसी ने ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। समय बीतता गया, अब इनके रिश्ते में थोड़ी सी नोकझोंक शुरू हो गई। आपको कितनी बार बोलूं, बैग रूम में रखना है। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, तुम इसे रूम में रख दो। नहीं, मुझे खाना बनाना है, पहले बैग रखो फिर फ्रेश हो जाओ। और सब्जियाँ कहाँ है? अरे बाप रे, भूल गए, हर बार यही होता है। अगली बार पक्का ले आऊंगा। धीरे धीरे इनके बीच की नोकझोंक बढ़ने लगी। अब हर छोटी मोटी बात पर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती। शाम को ऑफिस से आते ही, प्रिया जल्दी से खाना लगा दो। समय लगेगा, अभी खाना बना रही है। क्या सारा दिन घर में करती क्या हो, समय पे खाना तक नहीं बना पाती हो? ऐसा है तो खुद का खाना खुद ही बना लिया करो। आपको क्या लगता है, खाना बनाना कपड़े धोना आसान काम है? हाँ हाँ बहुत आसान है, तुम बस बहाने बना सकती हो। आलसी कहीं की? क्या मैं आलसी? तुम आलसी हो। देखो अपने जूते कहाँ रखे हैं, अपना बैग तो रखना नहीं आता है तुम्हें। अरे यार ऑफिस से आते ही मत शुरू हो जाओ। ऑफिस में बॉस के ताने और घर में तुम्हारे ताने, काश कि मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। तो फिर क्यों की शादी? अगली सुबह प्रिया दीपक के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। दीपक बिना कुछ खाए ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। नाश्ता तो कर लो। नहीं नहीं रहने दो, मैं बाहर खा लूंगा। तो पहले बोल देते, सुबह सुबह मुझे क्यों खाना बनाने को बोला? तुमसे झगड़ा करके मुझे अपना दिमाग नहीं खराब करना है। डिब्बे में डाल के दे दो, रास्ते में खा लूंगा। प्रिया नाश्ता डिब्बे में भर कर देती है। दीपक घर के बाहर निकलते ही कुत्ते के सामने नाश्ता डाल देता है। और ये सब कुछ प्रिया घर से देख रही थी। प्रिया अपना मन बहलाने के लिए शाम के समय पार्क में टहलने के लिए जाती है। पहले दीपक मुझसे कितने अच्छे से बात करते, कितना प्यार करते थे मुझसे, और अब हर दिन हम दोनों में बस झगड़ा ही होता रहता है। और पहले की बातें याद करके रोने लगती है। पास में बैठी बूढ़ी माँ प्रिया की बातें सुन रही थी। उन्होंने प्रिया के सर पर हाथ रखा। कितनी प्यारी बच्ची है, ऐसे रोते नहीं मेरी बच्ची। पति पत्नी में ऐसी नोकझोंक तो होती ही रहती है। मैं इन सब बातों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, क्या करूँ? मुझे लगता है कि तुम दोनों एक जैसे हो, ना वो हार मानता है और ना तुम मेरी बच्ची। झगड़ा खत्म करने के लिए किसी को तो चुप रहना होगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मुझसे चुप रहा ही नहीं जाता, और कुछ ना कुछ बोल ही देती हूँ। बूढ़ी माँ अपने थैले से पानी की बोतल निकालती है। ये जादुई पानी है, जब भी तुम्हें गुस्सा आ जाए तो ये पानी पी लेना। पर एक बात याद रखना, ये पानी पीने के बाद तुम कुछ भी नहीं बोल पाओगी। प्रिया वो पानी की बोतल लेकर घर चली जाती है। रात में खाना खाते समय, लगता है तुम खाना बनाना भूल गई हो। दाल में कितनी नमक है, चावल भी कच्ची है और रोटी जली हुई, लगता है ये कोयले की खदान से निकली है। प्रिया को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी उसे बूढ़ी माँ की दी हुई पानी की बोतल याद आती है। वो पानी पीती है और उसके बाद वो कुछ भी बोल नहीं पाती। दीपक बोलते बोलते रुक जाता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। कुछ दिन प्रिया वही करती है, जब भी दीपक चिल्लाता या फिर ताना मारता वो पानी पी लेती और कुछ नहीं बोल पाती। गुस्सा खत्म हो जाने के बाद फिर से बोलने लगती। 2-3 दिन के अंदर ही बोतल का पानी खत्म हो जाता है। प्रिया फिर से बूढ़ी माँ के पास पानी लेने के लिए जाती है। अब मेरे पति पहले से ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा झगड़ा भी नहीं करते। पर आपका दिया हुआ ये पानी खत्म हो गया है, क्या मुझे और पानी मिल सकता है? बूढ़ी माँ ने फिर से एक छोटी बोतल दी। इसे अपने घड़े में मिला देना। प्रिया छोटी पानी की बोतल अपने पीने वाले घड़े में मिला देती है, और जब भी उनके बीच झगड़ा होता वो वही पानी पी लेती। काफी दिन बीत गए, अब उन दोनों के झगड़े खत्म हो चुके थे और पहले से ज्यादा प्यार भी। दोनों बहुत खुश थे। हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा हो गया है दादी माँ, मुझे और पानी चाहिए। मेरी बच्ची, जो पानी मैंने तुझे दिया था
वो कोई जादुई पानी नहीं था, और जो दूसरी बार दिया था वो तो साधारण सा पानी था, उसमें कोई जादू नहीं था। प्रिया और बूढ़ी माँ दोनों हंसने लगे। उस दिन के बाद कभी भी प्रिया को जादुई पानी की जरूरत नहीं पड़ी और पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। अक्सर नए रिश्ते अच्छे लगते हैं, पर वक्त के साथ वो कमजोर हो जाते हैं और रिश्तों में अनबन होने लगती है। बस